हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, हड़प्पा के निवासियों को लोहा का कोई ज्ञान नहीं था, ये सही कथन है। हड़प्पा की नगर योजना ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, यह भी सही है। हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था, ये कथन भी सही है। और हड़प्पा संस्कृति में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था, यह भी सही कथन है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो सभी कथन जो है वे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरियन लेखों में किसे नाविकों का देश कहा गया है? तो सुमेरियन लेखों में मेलुहा को जो है वह नाविकों का देश कहा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। सिंधुवासी आथिल तथा व्याघ्र से परिचित थे, परंतु शेर से नहीं थे, ये सत्य कथन है। मुहरों का प्रयोग निम्न वर्ग करता था, जबकि मृण मूर्तियों का प्रयोग विशिष्ट वर्ग करता था। तो ये कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि मुहरों का प्रयोग विशिष्ट वर्ग करता था और जो निम्न वर्ग है वह मृण मूर्तियों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट है, यूनानियों द्वारा सिंडन शब्द कपास के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जो कि सही है। और मृदभांड पर लिपि कालीबंगा से मिली है, ये भी सही कथन है। तो असत्य कथन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, खगोल वैद्यशाला, सुनामी जलाशय, स्टेडियम, नगर का तीन भागों में विभाजन किस स्थान की पहचान है? तो ये पहचान है धोलावीरा की। नेक्स्ट है, सिंधु लिपि के बारे में सत्य कथन कौन सा है? सत्य नहीं होगा यहाँ पे, असत्य होगा। असत्य कथन कौन सा है? सिंधु लिपि में 250 से 400 अक्षर हैं, इसमें 64 मूल चिन्ह हैं, ये सही कथन है। सबसे बड़ा अभिलेख धोलावीरा से मिला है, जिसमें 17 शब्द हैं, यह भी सही है। इसे ब्रेस्ट ऑफ हेदन या गौमूत्र लिपि कहा जाता है, यह भी सही कथन है। इस लिपि को पढ़ा जा चुका है, ये जो है वह सत्य नहीं है। तो असत्य है कथन है जो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, किस उत्खननकर्ता की डाकुओं ने हत्या कर दी थी? तो डाकुओं के द्वारा जो है वह हत्या कर दी गई थी गोपाल मजूमदार की। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ऋग्वैदिक युग में भूमि राजा की निजी संपत्ति मानी जाती थी, यह कथन जो है वह सही नहीं है। इस काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी, सही कथन है। अश्व होगा यहाँ पे, अश्व को युद्ध का पर्याय माना जाता था, यह भी सही नहीं है। कृषक अपनी फसल का 1/4 भाग कर के रूप में राजा को चुकाते थे, यह कथन भी जो है वह सही नहीं है। तो सही कथन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग के सामाजिक जीवन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो कि सत्य कथन है। ऋग्वैदिक समाज मातृसत्तात्मक था, ये कथन जो है वह सत्य नहीं है। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी की सहभागिता अनिवार्य थी और ऋग्वैदिक समाज में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। तो जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जो कि पृथ्वी माता की प्रतिमा का प्रतीक है, किस स्थान से मिली है? यह मिली है हड़प्पा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह गलत है? ऑप्शन ए, हड़प्पा से 37 समाधि, गरुड़, ताबूत, तांबे की इक्का गाड़ी, श्रमिक आवास, ये सब मिली है, ये सही है। लोथल से ममी, मनके, दो मुहा राक्षस, गोरिल्ला, फारस की मोहर और रंगाई कुंड, यह भी सही है। बनावली से नियोजित नगर का अभाव, जल निकासी का अभाव, जोहरी नवा आवास और अग्निकुंड, यह भी सही है। राखी गड्डी, कलश समाधान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अग्निकांड, ये जो है वह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आज की वीडियो में बस यहीं तक, बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।